धरना हमारा 11 तारीख को लगा था, आज 17 तारीख हो गए हैं। जाहिर सी बात है 6 दिन पूरे धरने को हो गए, और 13 तारीख सुबह 8 बजे से मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ हूँ। लगातार हंगर स्ट्राइक चल रही है, और हंगर स्ट्राइक तभी खत्म होगी जब तक हमारी डिमांड्स मानी नहीं जाएंगी। तो क्या अभी तक आपसे कोई मिलने आया है इंतजामिया? परसों भाई चांद साहब सुबह सुबह आए, बोले कि लड़ाई तो लड़ते रहिएगा, पहले आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप पहले इलाज करवाइए उसका। और हम यहाँ से धरने से नहीं उठे, और हम कोई इलाज नहीं करवाएंगे जब तक हमारी डिमांड नहीं मानी जाएगी। अगर मर भी जाएंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के काज के लिए मरेंगे, कोई इसमें पर्सनल मैटर नहीं है हमारा। जहाँ तक रही अशरफ मलिक की बात, अशरफ मलिक साहब उस दिन जो भी बदतमीजी उन्होंने की उसका जिम्मेदार वो खुद है, उन्होंने पूरी बदतमीजी खुद की। उसके बाद उन्होंने इल्जाम लगाया कि तौसीन ने मुझसे बदतमीजी की, उन्होंने बदतमीजी की। उसके बाद मैं फौरन वहां से आने के बाद प्रॉक्टर ऑफिस में कंप्लेन किया, उस कंप्लेन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, इन्होंने एक तरफा एक्शन किया। अगर उनको एक्शन लेना ही था तो उन हमें भी सस्पेंड करते और अशरफ मलिक को भी सस्पेंड करते, जब दोनों सस्पेंड हो जाते उसके बाद डीसी होती, उसके बाद दोनों बरी होते। लेकिन इन्होंने एक तरफा जो व्यवहार किया है, जो स्टूडेंट के ऊपर इन्होंने ने एक धब्बा लगाया है, ये सरासर गलत है। स्टूडेंट हमेशा जेन्युइन काज के लिए लड़ता है, और यहाँ के टीचर्स हमेशा बरगलाते रहते हैं, उसको यूज करते हैं। ये वाइस चांसलर साहब को अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि वो कितना यूज हो रहे हैं कितना नहीं हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं आफाक अहमद, PhD मास कम्युनिकेशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए 6-7 दिन लगातार हो गए धरना देते हुए, और खुद AMU वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड समीउद्दीन शाह 2 मरतबा धरने पर आए। मुअत्तल नायब सदर तौसीफ आलम के हालात को जाना परखा, और बाकायदा डॉक्टरी रिपोर्ट है कि 24 घंटे में अगर मेडिकल में एडमिट नहीं कराया गया तौसीफ आलम को, तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा हद तक बिगड़ सकती है। मैं यहाँ धरना साइट से ठीक VC लॉज के सामने से कांग्रेस की हुकूमत से भी मुआवजा दरख्वास्त करता हूं, और सपा हुकूमत से भी, अखिलेश यादव से भी, कि क्या ये चल रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में? उन्हीं के वाइस चांसलर के चौखट के ठीक सामने लगातार 6 दिनों से धरना चल रहा है, और AMU की तारीख में पहली मरतबा किसी तलबा यूनियन के अहदेदारान को सस्पेंड किया गया, मुअत्तल किया गया। मैं इसकी मसम्मत करता हूँ, और कहाँ सोई है कांग्रेस सरकार, सोनिया गांधी और खुद राहुल गांधी, और कहाँ सोए हुए हैं वजीर आला अखिलेश यादव? मैं इसकी गुहार इस चौखट से VC लॉज से लगाता हूं दिल्ली तक और लखनऊ तक, कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर सरकारें क्यों सोई हो रही हैं? अगर बहाली शेखुल जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तौसीफ आलम मुअत्तल नायब सदर की बहाली 48 घंटे के अंदर नहीं करने जा रहे हैं, तो यही चौखट होगा शेखुल जामिया का, यही AMU वाइस चांसलर का दरवाजा होगा। इसी दरवाजे के ठीक सामने हम अखिलेश यादव और सोनिया गांधी का पुतला एक साथ फूकने जा रहे हैं, और इससे इंशाल्लाह कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती।